तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस तरह का सीवी का सैंपल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन हमें जो क्रिएट करना है वो ये वाला सैंपल है जो हमें इसके अंदर बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो हिस्सों में काम हुआ हुआ है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो वैसे भी काम हो जाएगा, और अगर पेज को डिवाइड नहीं करते, शेप्स बना लें तो उसके हिसाब से भी काम हो जाएगा। तो अगर पेज को डिवाइड करने की बात की जाए तो ये दो कॉलम्स में डिवाइड होगा। फिर आपको ये करना पड़ेगा, पहले ये सारा लिखने के बाद यहाँ से इधर आना पड़ेगा इंटर करके, फिर यहाँ पे टाइप वगैरह कर सकेंगे। इसमें एक साइड कॉलम ये छोटा या बड़ा करना हो तो उस पर क्लिक करके ये करना पड़ता है कि इसमें ये ऑप्शन मौजूद है लेफ्ट वाला, ओके करते हैं। इसमें ये कॉलम छोटा होगा, ये कॉलम बड़ा होगा, लेकिन फिर आप जब यहाँ टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर ही काउंट किया जाएगा और यहाँ वाला जो काम है वो यहीं पर हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर लें। इसमें करना ही पड़ेगा आपको कि फिर इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक शेप बनाना पड़ेगा आपको इस वाले पोर्शन में। पहले यहाँ से इंटर करके यहाँ आएंगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है, अगर कॉलम में काम करें। इंसर्ट में जाके यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको इस तरह का एक शेप मिल जाएगा। तो वो जो शेप मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करके आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे और ये शेप यहाँ पे। अब इस शेप के अंदर जो भी लिखा था उसको आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। जस्ट हमें एक शेप रिक्वायर्ड था, शेप आ गया हमारे पास। शेप की लेंथ वगैरह देखनी है कितनी रखनी है, तो वो जितनी लेंथ करना चाहे कर ले। तो ये हमारा हिस्सा में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्लिक करके यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे और ये इस तरह से मामला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कर्सर आ रहा है, ये हमारा शेप आ गया, सही। अब क्या करना है, फाइल को सेव कर दें पहले ताकि आपको आगे काम करने में आसानी रहे। यहाँ से ब्राउज करेंगे और यहाँ से ब्राउज करके हमने वर्ड फाइल्स में जाके और इस फाइल को सेव कर दिया हमने वर्ड सॉरी वर्ड फाइल्स में, जतिन के फोल्डर में हमने इसको सेव कर दिया क्लास 22 के नाम से, और उसमें लिख दिया अनदर सीवी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मामला हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है, ये सारे मामला करने, पिक्चर हम बाद में लगा लेंगे, पहले नीचे वाले मामला को ज़रा देख लेते हैं वो कैसे हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि ये वाला काम जल्दी से कर लेना है तो ये काम तो आसान ही है, क्योंकि अगर टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा, एक्सेस ही बना लेंगे इसको। तो इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा ये पोर्शन। अब देखिए ये पोर्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी शेफ है और ये भी शेफ में लिखा हुआ है, पर ये वर्ड आर्ट है, ये ब्लैंक्स में इस तरह से कुछ लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं, अब इसमें आ जाएँ, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट में जाइए और यहाँ से एक शेप बनाइए। तो यहाँ से आपने क्लिक किया, शेप बनाया, ठीक है। उस शेप को आप ले आए इसके ऊपर यहाँ पर, देखिए यहाँ पे पिक्चर लग जाएगी इसकी, तो पिक्चर के अंदर आप टेक्स्ट लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके क्या कर रखा है, इसने वाइट कर रखा है, शेप फिल में जाके इसको वाइट कर दे, शेप फिल में वाइट करना है इसको। ये देखिए मैंने यहाँ से इसका स्टाइल ही ले लिया ये वाला, और आउटलाइन को कर दिया इसको नो आउटलाइन, ठीक है। इस पर राइट बटन दबा के मैंने इसको किया एड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। उसको लिखना है मुझे फॉन्ट PHY फॉन्ट, ठीक है। तो फॉन्ट का फॉन्ट जो है मुझे तकरीबन 12 के फॉन्ट्स में लिखना है, तो इस तरह से होगा। और लेफ्ट अलाइन करना है इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना मार्जिन वगैरह का बड़ा मसला होता है, तो सिलेक्ट करके इसको हमने राइट बटन में बाया, फॉर्मेट शेप में चले गए, यहाँ से हम आ गए इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और टेक्स्ट बॉक्स में आके यहाँ से जो मार्जिन वगैरह है वो हम क्लियर कर लेंगे। तो वो कहाँ चला गया, ये रहा, तो क्लिक किया और यहाँ से इसके जो मार्जिन है 0000 कर दिए सारे मार्जिन, और रैप टेक्स्ट से भी चेक हटा दिया, और इसको डू नॉट रोटेट रीसाइज शेप कट टेक्स्ट पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी कुछ नहीं लिखना, लेआउट भी इसका 0 है, होम में गए यहाँ से इसका लाइन स्पेस 1 है और लेफ्ट का कटक है इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका काम कर लेना, इसको बंद कर देना, ठीक है। अब इधर आने साइड पे अभी शेप जो है थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। अभी भी इसका ये वाला जो मार्जिन है काफ़ी आगे निकला हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरीके से ऐसे पीछे कर देंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने फोन लिख दिया। अब फोन जो लिखा तो वो जितना उसको स्पेस रिक्वायर्ड था उसमें लिखा, लेकिन यहाँ पे तो ये सारे एक जितने आ रहे हैं। अब क्या करें, ये जितना रिक्वायर्ड है इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसको राइट बटन दबाएं, दोबारा फॉर्मेट शेप में जाएं, यहाँ पर जो आपने चेक लगाया था ना रीसाइज शेप टू फिल, इसका मतलब है जितना टेक्स्ट होगा उतना उसको साइज मिलेगा। इस पर चेक हटा दें, अब आप अपनी मर्जी से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लिख देना है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट करना है और इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट में देखिए नीचे एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पर रख देना है, कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट आ रहा है। फिर उसके नीचे एक खाली छोड़ना है और दूसरा रख लेना है। उसका तरीका ये है कि इसको यहाँ रखें
कंट्रोल डी करें, तीसरा वाला रखें उसके नीचे। अच्छा अरेंज नहीं भी हो रहे, स्पेसिंग का मसला आ रहा है, होने दें इसको, एक और ले लें कंट्रोल डी करके, वो सभी सेट करना बताता हूँ। ठीक है ये हो गए सारे, अब शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करें, स्पेसिंग कैसे सेट करनी है, शिफ्ट होल्ड है मेरा, ठीक है इस पर क्लिक किया। ठीक है सारे सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट पे छोड़ा, होम में शेफ अपार्टमेंट में गए, रोटेट के नीचे आएंगे अलाइन, अलाइन पे क्लिक किया, इनको क्या अलाइन लेफ्ट कर लिए। ठीक है सुबह टाइम पर अलाइन लेफ्ट किया हमने, यहाँ से टाइम लाइन लेफ्ट हो गया, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर दिया, तो स्पेस भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है अब उसमें क्या है कि ये मैनेज होगा स्पेस, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ये वाला आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो क्लिक करके इसको यहाँ से कर देना है डिलीट। ठीक है और इनमें जो भी टाइप करना है वो टाइप कर लेना, जैसे एड्रेस, और यहाँ पे क्या लिखना है वेबसाइट, और यहाँ पे क्या लिखना है ईमेल। ठीक है तो इस तरह टाइप कर लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, अभी इन सबको मिला के ग्रुप कर लेना है। अच्छा ग्रुप करने से पहले एक और काम कर लेंगे कि आगे टेक्स्ट भी लिखना है तो ग्रुप हम इसको सही तरीके से करेंगे, तो हमने क्या करना है पहले इसका कंट्रोल डी लेना है, एक डुप्लीकेट कर देना है, डी लेने के लिए पहले सेलेक्ट करना है एडिट मोड में, नहीं कंट्रोल डी आएगा डुप्लीकेट। ठीक है उसके बाद एक स्पेस मेंटेन करना है, सपोज टू बी ये स्पेस काफ़ी है इसके लिए बैठा ले, उसके बाद इसका इसको इतना एक्सपेंड करना है और इसका एक स्पेस यहाँ पर भी मेंटेन करना है। ठीक फिर यहाँ से कंट्रोल डी करना है, अब उसको उठा के इसके सामने सेट करना है, फिर कंट्रोल डी करना है, फिर उसको उठा के इसके सामने सेट करना है, फिर कंट्रोल डी करना है, फिर इसको उठा के इसके सामने सेट करना है। इसमें एक काम करना है कि भाई ये जो सेट कर रहे हैं ना इसमें ये वाला इसका डबल साइज होगा, मतलब डबल साइज कहते हैं ये इस तरह से सेट होगा, सही। अब क्या करना है इसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, इसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, इसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, इसको क्लिक करना है। अब इसमें एक काम करना है वो ये करना है, शेफ फॉर्मेट में जाना है, शेफ फिल में जाके कहना है नो फिल, जैसे नो फिल करेंगे तो ये तो हो जाएगा स्क्रीन से गायब। अब जब ये गायब हो जाएगा तो आपका टेक्स्ट भी गायब हो जाएगा, गलती हो गई ना क्लिक फट गया, होम में जाएंगे दो क्लिक हो गया। पहले क्या करें एक काम करें, शेफ फॉर्मेट में जाएं, होम में जाएं, यहाँ पे जाके पहले टेक्स्ट का कलर कर लें वाइट, तो टेक्स्ट हो जाएंगे वाइट, और फिर शेफ फॉर्मेट में जाएं यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से लेंगे शेफ फिल और नो फिल कर दें इसको आप। ठीक है तो ये देखें आपका इस तरह से मामला बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, और फिर इनको ग्रुप करना है। ठीक है फिर इसको क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है, और इसको ग्रुप करना है। ठीक है फिर इसको क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है, और फिर इसको ग्रुप करना है। ओहो देखो ये भी गलती हो जाती है, बार-बार अंडू कर लें कंट्रोल कर। ठीक है दोबारा करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। उसको जाके यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। ठीक है सारे ग्रुप हो गए, अब क्या करेंगे इसको शिफ्ट के साथ, इसको शिफ्ट के साथ, इसको शिफ्ट के साथ, और इन सारे ग्रुप को सिलेक्ट करके फिर इनको ग्रुप कर देना है, ताकि ये पूरा एक ब्लॉक बन जाए, ताकि आगे चल के मूव करने में आसानी हो पाने के लिए। हाँ सबको एक एक करके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है, पहले इन दो दो को ग्रुप करना है, फिर इन चारों को सेलेक्ट करके ग्रुप करना है। ठीक है अब इससे ये होगा कि पूरा ब्लॉक इजीली मूव हो जाएगा ना, अब आपको मूव करना है ना पूरा ब्लॉक इजीली मूव होगा। अब डेटा डाल दें इसमें एक एक करके, जैसे कि कंट्रोल है, थोड़ा फॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा, जब बड़ा होगा थोड़ा टेक्स्ट तो एड्रेस थोड़ा सा साइज कम करना होगा। ठीक है
कंसोल है थोड़ा फॉन्ट साइज है, सॉरी कंसोल है थोड़ा फॉन्ट साइज यहाँ पर भी ठीक है। तो ये देखिए डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा आ जाता है। अब आएंगे नीचे तो यही ये वाला ऑप्शन कैसे बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन बनाने के लिए सिंपली क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, एक शेप लेंगे पहले ठीक है ना। देखिए इसमें ये इस तरह से बना हुआ है, एक तो ये आ रहा है और उसके नीचे ही बना हुआ है। तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लो यार ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कौन सा लो, ट्रांसपेरेंट होगा इसका, ये ले लो, ये भी ठीक है चलेगा। डिलीट करो इसके अंदर जो टेक्स्ट था, वट एवर जो भी टेक्स्ट था उसको उठाओ उसका रख दो, क्योंकि ये भी ब्लैक है वो भी ब्लैक है तो उतना खास गायब नहीं होगा ठीक। और यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा कर लो, राइट बटन ऐड द टेक्स्ट और उसको पोजीशन को अलाइन को टॉप कर लो, होम में जाके लेफ्ट कर लो ठीक है। फॉन्ट साइज को यहाँ पे कम कर लो, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल एरियल। अब यहाँ पे जाके इसका जो ये मार्जिन है इसको कम कर लो, अच्छा इसका जो बैकग्राउंड डम कर रहा है ना आपको, शेप में जाके शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर दो ताकि बैकग्राउंड खत्म ही हो जाए इसका। अब क्या रह गया बैकग्राउंड खत्म होने के बाद, बैकग्राउंड और भी है क्या इसका, आउटलाइन भी खत्म कर दो इसका, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, तंग कर रहा है, शायद दो शेप होंगे मिलके एक बना हुआ होगा ये भी एक ही। अब जो इसी चीज़ें तंग करें तो उसको डिलीट कर दो, नहीं करो उसका काम, शेप ले लो।